हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। तो आज मेरे 10 डेज़ आईब्रोज थ्रेडिंग का सेकंड क्लास है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे कि मेरी क्लाइंट है, इनके देखिए आप थ्रेडिंग बहुत भरे हुए हैं और इनका प्रॉपर वी शेप में भी थ्रेडिंग है और इनके जॉइंट भी है थ्रेडिंग, ठीक है। तो मैं आपको एक साथ दो टॉपिक सिखाऊंगी कि इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप हेयर जो हेयर होते हैं यहाँ के आईब्रोज़ के वो कैसे निकालेंगे बारीकी से, और दूसरा आपको जॉइंट आईब्रो किस तरीके से बनाने हैं। और इनका जो आईब्रो का जो शेप है वो वी शेप है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियोस में प्रॉपर आईब्रोज़ का शेप कैसे देते हैं मैं दोनों सिखाऊंगी। तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, एकदम बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बाकी की क्लासेस भी मैं कंटिन्यू लाती रहूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आपके आईब्रोज़ के थ्रेडिंग निकालने होते हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आईब्रोज़ में जो किसी भी तरीके का अगर आपके पास कॉटन है तो आप कॉटन लें और थोड़ा सा पाउडर लें, पाउडर लेके पूरे अच्छे से आईब्रोज़ में लगा लें इस तरीके से। देखिए ठीक इस तरीके से आप लगा लें। अच्छा, पाउडर हमें क्यों लगाना होता है? पाउडर हमें इसलिए लगाना होता है क्योंकि जो हमारी स्वेटिंग होती है, जो हमारे पसीने वगैरह निकलते हैं, फिर उसके बाद बहुतों के स्किन ऑयली भी होते हैं। तो अगर आप पाउडर लगाएंगे तो वो उसमें फिर आपको थ्रेडिंग बनाने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, आपका जो धागा है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। और आपके जो हेयर्स होते हैं आईब्रोज़ के वो भी अच्छे से निकल जाएंगे, ठीक। तो देखिए मैंने इस तरीके से पूरे अच्छे से आईब्रोज़ में इनके मैंने पाउडर लगा लिए। फिर नेक्स्ट मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया था कि मैं कौन से धागे यूज़ करती हूँ, आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ। ये धागा मैं यूज़ करती हूँ, ठीक। तो आप धागा ले, धागा लेके आपको इस तरीके के आईब्रोज़ के शेप में आपको क्या करना होता है, पहले तो मैं आपको कैसे आईब्रोज़ के जो बाल होते हैं निकालना होता है मैं वो दिखाती हूँ आपको। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको दिखाए थे कि किस तरीके से आपको धागा चलाना है, ठीक। तो आप सेम उसी तरीके से मैं आपको जो वीडियोज़ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके लिंक्स आप जाके वहाँ से चेकआउट कर। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो अपने धागे को पहले सेट करना होता है, ठीक है। आप धागे को इस तरीके से पहले यहाँ पे सेट करें इस तरीके से। फिर आपको क्या करना होता है कि ऐसे अपने धागे को अच्छे से सेट करके रखें। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना होता है कि जब आपके धागे को इस तरीके से सेट करें तो देखिए कि उसके अंदर जो थ्रेडिंग के बाल है वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर आ जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इस तरीके से आपको खींचना होता है, आपके मुँह में जो धागा रखा होता है उसे आपको पीछे की तरफ खींचना होता है। देखिए इस तरीके से, ठीक। सब देख सकते हैं मैंने यहाँ से इनके जो एक्स्ट्रा हेयर है वो निकाले हैं, तो यहाँ से कितना साफ जैसा लग रहा है। तो आपको सेम इसी तरीके से जो फोरहेड के बाल होते हैं उसको निकालना है। और आप थ्रेडिंग के जो बाल होते हैं, थ्रेडिंग के जो यहाँ के जो हेयर्स होते हैं या फिर ये नीचे के पोर्शन का जो भी हेयर्स होता है, ये आपको थोड़े थोड़े करके निकालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है, वरना फिर जो आपके क्लाइंट होगी उनको फिर पेन होगा बहुत ज़्यादा अगर एक साथ निकलेगा। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके निकालोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसमें थ्रेडिंग के जो हेयर्स होते हैं मैं उसको फंसा रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। कोशिश करें पहले आप थ्रेडिंग को अच्छे से देख लें कि इस थ्रेडिंग में आपको एक्स्ट्रा हेयर कहाँ से क्या निकालना है, क्योंकि देखिए इस थ्रेडिंग में मुझे एक्स्ट्रा हेयर कहीं पे जो ज़्यादा दिख रहा है मैं वहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा हेयर इनके थ्रेडिंग में सिर्फ यहाँ पे थोड़े से हैं और इस साइड में थोड़े से हैं, ठीक है। तो इनके थ्रेडिंग का शेप प्रॉपर वी शेप में आता है। तो आप देखें इनके जो नीचे का पोर्शन है इसमें भी आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनका भी यहाँ से प्रॉपर तरीके से इस तरीके से शेप आना होता है, ठीक है। तो आपको थ्रेडिंग का वेस हमेशा किस तरीके से चलाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं ये कटिंग कॉम से आपको दिखा रही हूँ कि आपको थ्रेडिंग किस तरीके से बनाना है या फिर शेप किस तरीके से देखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देखो थ्रेडिंग इनका ऑलरेडी वी शेप दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ठीक इसी तरीके से
सिर्फ यहाँ से इतना आपको थ्रेडिंग एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है। दूसरा पार्टीशन आपको यहाँ से निकालना है, इतना आपको निकालना है, ठीक। ये ऊपर का हो गया काम, ठीक है। आप नीचे क्या करना है कि जो यहाँ का जो गाइडलाइन होता है हमारा, यहाँ का इस एरिया का, आपके जो यहाँ के थोड़े से हेयर्स होते हैं आपको उसको निकालना है अच्छे से यहाँ से। अगर यहाँ के हेयर्स आपने अच्छे से निकाल लिए तो आपको फिर यहाँ का प्रॉपर जो एरिया होता है एक्स्ट्रा वाला, वो आपको निकालने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका जो गाइडलाइन होता है ये मेन यहाँ का होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ का निकाल लिया अच्छे से हेयर, तो आपको पूरा उसी गाइडलाइन को पकड़ के आपको प्रॉपर तरीके से नीचे तक यहाँ तक आना है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको जो थ्रेडिंग के हेयर होते हैं वो धागे में किस तरीके से फंसाने हैं। मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको, आपको इस तरीके से लेना है, लेके फिर ऐसे खींच देना है, जितना ज़रूरत हो आप उतना ही हेयर निकालें, ठीक। पहले अगर आप मोटा करके भी थ्रेडिंग बनाते हैं तो आपको बाद में अगर जैसे थ्रेडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर थ्रेडिंग को थोड़ा और पतला करना है तो आप बाद में आराम से पतला कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आप थ्रेडिंग को एकदम से पतला ना करें, वरना फिर बाद में अगर बाई चांस थ्रेडिंग ख़राब होता है तो आप उसे सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने देखो मैंने इस तरीके का पहले मैंने यहाँ से एक थोड़ा सा पार्टीशन निकाल के मैंने इसको कट कर लिया है, ठीक है। तो इतना एरिया मेरा कट हो चुका है। अब लास्ट में जो मेरे यहाँ के हेयर रह जाते हैं मैं इसको क्लियर करूँगी, ठीक। तो आप देखिए मैं किस तरीके से क्लियर कर रही हूँ। इस तरीके से अपने धागे को सेम इसी तरीके से पकड़े ऐसे और ऐसे खींचें। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इनके यहाँ के हेयर निकाले हैं। अगर आप थ्रेडिंग धागे को जब भी चलाओगे तो अगर आप इस तरीके से यहाँ से इतना पोर्शन निकाल के फिर अगर आप इस तरीके से निकालते हो तो वो एरिया आपका वी शेप में आ जाता है, इस तरीके से आपका वी शेप में आ जाता है। या फिर आप हाई पॉइंट वाला एरिया बोलो, जो हाई पॉइंट वाला शेप का थ्रेडिंग होता है आप वो भी बोल सकते हैं। तो आपको इस तरीके से पहले इतना सा पोर्शन निकालना है, फिर उसके बाद जाके जो नेक्स्ट पोर्शन होता है आपको इस तरीके से निकालना है। अगर आपको जैसे हाई पॉइंट वाले जिनके आईब्रोज़ होते हैं अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें गोल राउंड में चाहिए, तो आपको क्या करना होता है कि जो आपका ये वाला एरिया होता है, ये जो टॉप एरिया होता है पॉइंट वाला, आप इसको निकाल दें, इसमें से कुछ बाल आप ऐसे निकाल दें, फिर उनका वो ऐसे गोल शेप में थ्रेडिंग बन जाता है। दूसरा जैसे इनके फोरहेड में थोड़े हेयर्स है, ठीक है, ये देखो थोड़ा एक्स्ट्रा जो बाल है मैंने इसको भी क्लीन कर दिया, क्योंकि अगर इसको क्लीन करते हो ना तो आपका जो थ्रेडिंग का जो शेप होता है वो अच्छे से बाहर को आ जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका ऊपर का जैसे क्लियर हो जाएगा, देखिए ऊपर का मेरा क्लियर हो गया पोर्शन, ये थोड़ा वी शेप में इस तरीके से बन गया है, ठीक है। अब मुझे नीचे का पोर्शन सही करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो इस वाले पोर्शन को आपको इस तरीके से टाइटली ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, टाइट तरीके से पकड़े, वरना फिर ये नीचे का जो हमारा पोर्शन होता है, ये जो हमारा नीचे का पोर्शन होता है ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट एरिया होता है, तो इसमें कट लगने का डर भी रहता है। तो आपको बहुत अच्छे से इस तरीके ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन को काफ़ी हद तक टाइटली पकड़ना है, ताकि जो थ्रेडिंग चलाते टाइम धागा चलाते टाइम जो दर्द होता है वो थोड़ा कम हो, ठीक है। तो मैंने अपने क्लाइंट को भी बोल दिया था कि इस तरीके से वो टाइटली पकड़े, और टाइटली आप कब किस तरीके से पकड़ने के लिए बोले वो भी देखिए। देखिए अगर वो इधर से या इधर से इस तरीके से अगर कहीं से भी अगर ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे तो वो शेप नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट वाला एरिया होता है आपको यहाँ पे ऐसे टाइटली पकड़ने के लिए कहना है, ठीक है। ज़्यादातर दो उंगलियों का ही काम होता है, अगर आप तीन उंगली से पकड़ सकते हैं वो तो ठीक है, वरना दो उंगली का ही काम होता है। देखिए इस तरीके से पूरा शेप निकल के बाहर को आ जाता है, ठीक है। तो आपको सेम इसी तरीके से नीचे का भी अच्छे से पकड़ने के लिए बोले, पर इतना टाइटली भी ना पकड़े कि इसका पूरा शेप ही बिगड़ जाए, अच्छे से सेट करके पूरा अच्छे से टाइट करके पकड़ा है, ठीक है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, नीचे के पोर्शन को आपको जब क्लीन करना होता है तो आपको स्टार्ट हमेशा यहाँ से करना है, यहाँ हमेशा स्टार्ट यहाँ से करें, यहाँ से करके पूरे यहाँ तक ले आए, फिर उसके बाद जाके जो रहता है उसे यहाँ से क्लीन करें, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से हेयर पकड़े फिर ऐसे खींच दें ऐसे, ठीक है।
देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके निकाले, अब आप देख सकते हैं कि जो शेप है वो अच्छे से निकल के बाहर को आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी गाइडलाइन, ये जो मेरा गाइडलाइन है, मैं इसी से ही एकदम सीधे करके यहाँ से थ्रेडिंग को क्लीन कर दूँगी अच्छे से। ठीक है, देखिए इनके एक्स्ट्रा जो हेयर है वो किस तरीके के है वो भी आप देख सकते हैं, ये देखिए। स्टार्टिंग में अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप किसी पेन की हेल्प से, किसी जेल पेन की हेल्प से आप आराम से ऐसे लाइनिंग बना लीजिए, अपना हाईलाइट जैसा कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद जाके आप उस अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग आप थ्रेडिंग धागा चलाए। ठीक है, तो आप देखिए मैं इसी गाइडलाइन को लेकर आगे को आईब्रोज बनाऊंगी। देखा, तो मुझे ये गाइडलाइन, इस वाले लाइन से गाइडलाइन जो मेरा है इससे लेके पूरा प्रॉपर मुझे यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट तक मुझे अच्छे से क्लीन करना है, फिर उसके बाद जाके इधर वाले पोर्शन को क्लीन करना है। देखिए मैंने किस तरीके से क्लीन किया है, अब मैं आपको प्रॉपर इधर का भी एक लाइन निकाल के दिखाती हूँ, फिर जो एक्स्ट्रा हेयर रहता है वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से प्रॉपर ये जो लाइन निकाले, इसके बाद जो इनके एक्स्ट्रा हेयर है वो यही रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि पहले आप अपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एकदम सीधा इस तरीके से लेके आए, फिर जो एक्स्ट्रा हेयर रहते हैं उसे आप बाद में भी निकाल सकते हैं या फिर एक साथ भी निकाल सकते हैं। इसमें अगर आपका धागा टूटता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धागा हमारा तभी टूटता है जब हम धागे को बहुत टाइटली पकड़ के खींचते हैं, और अगर हम टाइटली नहीं पकड़ेंगे तो फिर जो आईब्रोज के जो बाल होते हैं वो निकलते भी नहीं हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ का प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए तो आपके जो यहाँ के पोजिशन में जो हेयर रह जाते हैं इस वाले एरिया में, ये एरिया काफ़ी सॉफ्ट एरिया होता है, तो आपको यहाँ पर धागा थोड़ा अच्छे टाइटली नहीं चलाना है, थोड़ा आराम से सॉफ्टली इसको चलाना होता है। जब यहाँ के आईब्रोज के जो शेप है वो जब कम्प्लीटली हो जाए तो आपको लास्ट एक काम और करना होता है, मैंने अपने सारे वीडियोस में कहा है कि क्या, तो उसको जो यहाँ का जो पोर्शन होता है, इस तरीके का जो पोर्शन होता है यहाँ का, इसे आपको अलग से थोड़ा अलग से क्लीन भी करना होता है। ठीक है, तो किस तरीके से करें वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से इस तरीके से टाइटली पकड़ लें। ठीक है, पकड़ने के बाद आपको इस तरीके से एक बार धागा चढ़ा देना। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे हेयर्स जो हमारे इस एरिया में बचे होते हैं वो निकल जाता है। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं मैंने किस तरीके से शेप दिया अच्छे से, इनके आईब्रोज़ का जो प्रॉपर शेप है वो आप देख सकते हैं वी शेप में है, और दूसरा इनका जो आईब्रोज़ का जो शेप है वो जॉइंट में है। ठीक है, जुड़े हुए आईब्रोज़ हैं इनके, तो कोई कोई बोलते हैं कि मतलब जो ये जुड़े हुए आईब्रोज़ का होता है वो इस तरीके से रखे, तो कोई कोई हटा देता है। ठीक है, तो मेरी जो क्लाइंट है उनको अपने जुड़े हुए आईब्रोज़ ही चाहिए थे। ठीक है, तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि जुड़े हुए आईब्रोज़ को किस तरीके से सेट करें। तो आप देखिए मैं किस तरीके से सेट कर रही हूँ। जो यहाँ के हेयर्स होते हैं इसको आपको धागे से इस तरीके से नीचे की तरफ कर देना है। ठीक है,
देखिए इस तरीके के करने से इस साइड का जो एरिया होता है ये प्रॉपर तरीके से शेप में आ गया है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो सारे अब उस साइड में रहेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है कि यहाँ से इस वाले पोर्शन को क्लीन कर देना है। दूसरा आपको इस एरिया को क्लीन करना है। जुड़े हुए आईब्रोज की एक खासियत होती है कि जैसे कि आपका यहाँ से ऐसे वी शेप जैसा देना होता है ना, तो आपको इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी एक वी जैसा ही शेप देना होता है। ऐसे वो गोल जैसा नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा वी शेप जैसा देना होता है। अगर आप गोल चाहते हैं तो आप इस एरिया को हटा दें, ठीक है। अगर आप प्रॉपर वी में इस तरीके से चाहते हैं तो आप इस चीज़ को रखें, ठीक है। तो इनका प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से बनता हुआ आया है अब तक, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाऊँगी इनका। देखें मेरा जो एक थ्रेडिंग है वो प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। इसमें एक लास्ट स्टेप आपका ये रह जाता है कि आपको जो ये एक्स्ट्रा हेयर रह जाता है ये वाला, आपको इसको सीजर से कट करना होता है, ठीक है। छोटा सा आप कैची ले लें, उससे आपको ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ का एक्स्ट्रा वाले, इसको आपको कट करके प्रॉपर इसके लेवल में लाना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं इस वाले थ्रेडिंग को बनाऊँगी। देखिए अब मैं इनके इस साइड के जो आईब्रोज है मैं उसे बनाऊंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, मैंने इस साइड का प्रॉपर तरीके से बना दिया, आप शेप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, ठीक। अब मैं इस वाले का भी सेम वही प्रोसेस करूंगी, पहले इस वाले एरिया को क्लीन करूंगी, फिर उसके बाद जाके इस वाले एरिया को क्लीन करूँगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको ऐसे ट्रेंगल टाइप में ऐसे देना है, एक ऐसे एक आपको इस तरीके से, ठीक। देखें मैंने इस तरीके से इनका ये पोर्शन क्लीन कर दिया, सेम इसी के डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में दोनों का। देखिए मैंने किस तरीके से इनका प्रॉपर वी शेप दे दिया है, पहले मैंने यहाँ से हेयर निकाले, फिर जाके मैंने यहाँ से निकाले, ठीक है। तो सेम देखो इस तरीके से मैंने इधर भी किया था, ऐसे सेम ऐसे मैंने इधर भी किया, ठीक है। अब मुझे नीचे के पोर्शन को क्लीन करना है, तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस होगा, मुझे ऊपर की तरफ ऐसे अच्छे से पकड़ना है, सेम इस तरीके से आप पकड़ लें। पकड़ने के बाद फिर वही मेरा सेम गाइडलाइन इधर से ही होगा। मैंने जो इनके आईब्रोज की जो गाइडलाइन है वो मैंने देखो इस तरीके से निकाले ऐसे, फिर उसके बाद जाके मैं मुझे प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से सेम यहाँ तक लेके आना है, इस वाले पॉइंट के थ्रू एकदम सेम। ये जो मेरा ऊपर वाला पॉइंट होगा इसी पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट तक मुझे इस वाले गाइडलाइन को सेम इस तरीके से लेके आना है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके जो बाकी का पोर्शन होगा मैं इस तरीके से ले जाऊँगी। देख सकते हैं मेरी जो थ्रेडिंग का जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से बन गया है, यहाँ से स्टार्ट होके प्रॉपर तरीके से ऐसे आके इस तरीके से मैंने प्रॉपर क्लीन कर दिया है, ठीक है। और बाकी जो ये वाले हेयर्स हैं ये सारे मेरे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, तो आपको भी सेम इसी तरीके से एक्स्ट्रा हेयर किस तरीके से निकालना है मैंने वो दिखा दिया आपको। तो आपको इस तरीके से सेम ऐसे जो भी थ्रेडिंग की शेप्स हो, चाहे किसी भी तरीके का थ्रेडिंग का शेप हो, सेम जो काम करने का जो प्रोसेस होता है, जो वर्क होता है हमारा, वो सेम इसी तरीके का ही होता है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से प्रॉपर इनका शेप निकाल दिया है। अब मैं जो एक्स्ट्रा ये वाले हेयर्स है मैं इनको क्लीन कर दूँगी।
सेकेंड आपको क्या करना होता है कि आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, जो आईब्रोज का जो ये जो शेप होता है प्रॉपर तरीके से, इसे जब भी आप निकालें तो आप इस वाले पोर्शन को आप बिल्कुल भी टच ना करें, ठीक है। इस वाले एरिया को आप बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि इस वाले एरिया को अगर आप टच करोगे तो या तो इनकी जो आईब्रोज की जो लेंथ होती है लंबाई, वो हमारा शॉर्ट जैसा लगने लगता है। तो आप इस एरिया को टच बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर क्लाइंट बाई चांस आपको कहते हैं कि मुझे इस एरिया में क्लीन करके देना है तो वाली बात अलग है, ठीक है। अगर नहीं कहते तो आप इस वाले पोर्शन को कभी भी टच ना करें, ठीक है। इससे आपके जो आईब्रोज की जो शेप होता है वो काफ़ी अच्छे से निखर के भी बाहर को आता है, ठीक है। तो देखा, मेरा प्रॉपर तरीके से मैंने आईब्रोज इनके दोनों बना लिए। तो अब मैं जो एक्स्ट्रा हेयर है मैं उसे कट करके दिखाता हूँ किस तरीके से इस वाले पोर्शन को कैसे कट करते हैं। आपको इस तरीके से अपने सीजर को ऐसे रखना है और ऐसे कट लगा देना है। जो भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे उसे आप कट लगा दें, और कट लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस पोर्शन में अभी भी थोड़ा सा और जो हेयर है उसे रिमूव करना है, तो आप उस चीज़ को भी रिमूव करके एकदम फिनिशिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं इस तरीके से अच्छे से कट कर रही हूँ। देखिए, इनका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आपको लास्ट में क्या करना होता है कि जो आईब्रोज आपने बनाए हैं तो आपको आईब्रोज में अगर कोई क्रीम वगैरह कुछ हो आपके पास, कोई लोशन वगैरह कुछ भी हो, तो आप उसे अच्छे से लगा के 2 मिनट मसाज दे दें, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से मसाज देना है। देखिए, आप इस तरीके से प्रोट क्रीम ले लें या फिर कोई सा भी, अगर आपके पास जो भी लोशन अवेलेबल हो आपको इस तरीके से रखना है, रखें अच्छे से लगा देना है। लोशन लगाने से आपको एक फ़ायदा और क्या होता है कि जब आप लोशन लगाते हैं ना, तो आप इस तरीके से जब लगाएं तो देखना आपके जो हेयर से एक्स्ट्रा वाले जो बच्चे होंगे ना, वो यहाँ को ऐसा आ जाता है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उस एरिया को आप अच्छे से ऐसे कट लगा सकते हैं, ठीक। तो आप मेरा भी फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं, ठीक। आप मेरा फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं अच्छे से, मैं अच्छे से आपको जूम करके दिखाती हूँ दोनों आईब्रोज इनके। और आप यहाँ की पोर्शन को भी आप देख सकते हैं अच्छे से, ऐसे वी शेप में मैंने इनका शेप दिया, और प्रॉपर इनके जो आईब्रोज का शेप है वो वी शेप, मतलब हाई पॉइंट वाला जो होता है वो है, और जॉइंट भी है, ठीक है। इनके आईब्रोज जॉइंट भी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।